बहुत बढ़िया बहुत। चलिए अब आप लोग शांति बनाए रखेगा, ठीक है ना। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ठीक है ना बाबू, जो भी है वो दुआ म्यूट करें तो बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना बाबू। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी आपको हम क्या पढ़ा रहे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहे हैं ना। तो कल के क्लास में बाबू, कल के क्लास में आपको हमने क्या बताया कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे डिग्री और ऑर्डर निकालेंगे, वो कल आपको बता दिए, ठीक है ना। आज आपको हम क्या बताने जा रहे हैं, बाबू, कि हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं ना, तो उसमें दो गो टाइप होता है। क्या होता है उसमें बाबू, दो गो टाइप होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या देंगे, जनरल। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या देंगे बाबू, जनरल। एंड नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, जनरल एंड पार्टिकुलर। लिखा क्यों नहीं रहा है, जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो क्या होता है, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग यही देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन हमको कुछ नहीं करना रहता है बाबू। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहेगा, दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो उसमें कहेगा कि आपको इसका सोल्यूशन निकाले, ठीक है। एक बार आपको क्या कहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन इंस्टॉलमेंट में आता है ना, तो बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डिफरेंशिएशन इक्वेशन दे देगा, ठीक है ना, और उसको कहेगा सोल्यूशन निकाले के। दूसरा क्या देगा, सोल्यूशन आपको दे देगा, तो उसको कहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है ना। तो वो हम लोग कल से पढ़ेंगे, पहले आज हम ये देख लेते हैं जनरल एंड पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और ठीक है, और उसके बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे वो हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। और मेरा एगो रह गया, एगो कौन सा टॉपिक रह गया, कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं बाबू, ये भी हमको आपको बताना ही है ना। तो ये सब बताएंगे, कुछ ना छोड़ेंगे, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जनरल और पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं बाबू, एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या सर, अगर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, ठीक है, प्लस सिक्स इक्वल टू क्या है, जीरो है, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना बाबू, हाँ सर। तो इस इक्वेशन का इसको सोल्व करोगे तो इसका क्या आएगा, सोल्यूशन आएगा। इस इक्वेशन को सोल्व करके x का जो वैल्यू आएगा बाबू, वही तुम्हारा क्या देगा, मेरा सोल्यूशन देगा। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, मान लो x माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स और प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू सोल्व करो बाबू, तो तीन आएगा, दो आएगा, ठीक है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फाइव सिक्स स्टैंडर्ड से, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन का बाबू क्या हुआ, एक्स बराबर दो और एक्स बराबर तीन क्या हुआ, सोल्यूशन होगा। तो कोई भी इक्वेशन का बाबू जो सोल्यूशन होता है, पुनः इस सोल्यूशन को बाबू इस इक्वेशन में रखोगे, किस में इस इक्वेशन में रखोगे तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है ना। इसको क्या करना चाहिए बाबू, सेटिस्फाई करना चाहिए, सेकंड लाइन में एक्स स्क्वायर होगा, हाँ सेकंड लाइन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन है बाबू, इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हम लोग क्या कहेंगे कि क्या चीज मेरा सोल्यूशन है जो सही है। तो एक्स बराबर तीन यहाँ पुट करो ना, तो एक्स बराबर अगर तीन पुट करते हो बाबू, एक्स बराबर तीन पुट करते हो वेन, क्यों बताना सर, अभी इसका रिलेशन हम रिलेट करेंगे ना, इसीलिए हमको ये बताना पड़ रहा है, ठीक है। तो एक्स बराबर तीन अगर पुट करो बाबू, तो नाइन माइनस पंद्रह प्लस सिक्स, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, नाइन नौ छः पंद्रह, ये जीरो आ गया। मतलब क्या सर, देखो तो LHS में मेरा कितना है, LHS में मेरा कितना आ गया बाबू, यहाँ जीरो आ गया, वही ना मेरा RHS में, हाँ सर। तो कोई भी अगर इक्वेशन को सोल्यूशन जो रहता है बाबू, उस वह सोल्यूशन इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम लोग कहेंगे कि मेरा जो सोल्यूशन आया वो क्या आया, गलत आया। जो सोल्यूशन आया बाबू क्या आया, गलत आया, है ना, ठीक है सर। ये इतना तो समझ में आ गया, अच्छी बात है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, ये तो मेरा क्या था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ठीक है ना, जो हम लोग फाइव सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़े। लेकिन अब हम लोग क्या, इंजीनियर आप लोग बन गए ना, तो अब हम लोग ये वाला ना पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो आपको समझाने के लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, ये वाला इक्वेशन, जैसे मान लेते क्या है सर, ध्यान देना डी टू बाई डी एक्स टू। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो जनरल इक्वेशन हो गया, आईसी में इसी इक्वेशन में क्या लगा देंगे, डिफरेंशिएशन का टर्म लगाएंगे, तो मेरा क्या बन जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, है ना। दो दिन से तो यही बता रहे हैं, ठीक है सर। डी टू बाई डी एक्स टू प्लस बाई इक्वल टू क्या बाबू, जीरो है, ठीक है। आपको हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनरल और पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, वो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, ठीक है सर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बाबू, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी एक सोल्यूशन आएगा,
डी टू बाई डी एक्स टू प्लस बाई इक्वल टू जीरो है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा वो किस रूप में आएगा, बाई बराबर एफ ऑफ एक्स फंक्शन के रूप में आएगा, बाई बराबर किस में आएगा, एफ ऑफ एक्स फंक्शन के रूप में आएगा। तो इसको जैसे हम सोल्व किए ना, इसको हम किसी तरह से सोल्व करके तीन दो निकाले कि नहीं निकाले, है ना, तो इसको भी सोल्व करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे बाबू, तो इसका एक सोल्यूशन आएगा। तो सर कैसे सोल्व करेंगे, तो उसके बारे में नहीं अभी सोचना, उसके बारे में परसों दो क्लास से बात सोचेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है ना, इसको बाबू हम कैसे सोल्व करेंगे उसके बारे में अभी हम मत सोचो, ठीक है ना, इसका तरीका होता है सोल्व करने का वो बताएंगे दो क्लास के बाद, है ना। पहले ये आप समझ, हम जो समझाना चाह रहे हैं वो आप समझने की कोशिश करो, ये इक्वेशन है, इसका कुछ सोल्यूशन आएगा, तो मान लेते बाबू क्या है, इसका क्या सोल्यूशन है, आप लोग बार बार क्यों आते हो जी ज्ञानी कुमारी, ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन आता है बाबू, बाई बराबर मान लेते कितना, ए साइन एक्स प्लस बी, ठीक है, ठीक है, इस जैसे यहाँ इस इक्वेशन का सोल्यूशन ये आया बाबू, उसी तरह इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ये आएगा। सर ये कैसे आया, 11 दिन बर्दाश्त करो, जब सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताएंगे तो वहां पे आपको सोल्व करने का तरीका बताएंगे, होमोजीनियस मेथड होता है, नॉन होमोजीनियस मेथड होता है, वेरिएबल सेपरेबल होता है, 6-7 गो मेथड है बाबू, ठीक है ना, 6-7 गो मेथड है, ठीक है ना, तो वहां से आपको हम बताएंगे, ठीक है सर। तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन है, तो ये जो सोल्यूशन है बाबू, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी ना हम लोग कहेंगे कि जो मेरा जो सोल्यूशन है वो सही है। जैसे यहाँ इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है, तो ये जो सोल्यूशन है बाबू, ये जो इसका रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो कैसे सेटिस्फाई करेगा बताओ, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, देखो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, जीरो अगर आ गया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या किया, तीन पुट किया, यहाँ एक्स की वैल्यू तीन पुट किया, तो मेरा जीरो आया ना जी, मतलब क्या सेटिस्फाई कर गया, ठीक है सर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यदि ये सोल्यूशन है, तो ये जो सोल्यूशन है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर सेटिस्फाई कर रहा, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ, सेटिस्फाई करने का मतलब ये हो बाबू कि यहाँ पे बाई की वैल्यू रखो, यहाँ पे क्या करो, डी टू बाई डी एक्स की वैल्यू रखो, और वो कितना जीरो के बराबर अगर आ गया, तो हम लोग कहेंगे क्या, ये जो सोल्यूशन है मेरा सही है, ठीक है। तो यहाँ बाई बराबर क्या, ए साइन एक्स प्लस बी है ना, और यहाँ डी टू बाई डी एक्स टू है ना, तो इसको क्या करो, दो बार डिफरेंशियल हमको क्या चाहिए, डी टू बाई डी एक्स टू यहाँ पे रखने के लिए बाबू, बाई का वैल्यू तो पता है, और डी टू बाई डी एक्स टू पता नहीं ना, नहीं ना, तो ये जो सोल्यूशन है इसको दो बार डिफरेंशिएट करो ना, और उसके बाद यहाँ रखते हैं, ठीक है, आज चेक करते हैं आता है कि नहीं आता, ठीक है सर, कीजिए। तो इसको एक बार अगर डिफ्रेंशिएट करोगे बाबू, तो कितना हो जाएगा बताओ, एक बार अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स, एक बार अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं बाबू, तो मेरा कितना हो जाएगा, अगर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएशन तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए कॉस, ठीक है ना, एक्स प्लस बी हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना जी, ठीक है ना, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको हमको दो बार है ना, दो बार डिफ्रेंशिएशन है, तो एक बार इसको और करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो एक बार अगर आप करोगे बाबू, तो कितना हो जाएगा, डी टू बाई डी एक्स टू हो जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ए हो जाएगा कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट रह जाएगा, अब कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन होता है, तो साइन हो जाएगा बाबू, एक माइनस साइन होता है सर, ठीक है, हाँ बाबू माइनस होता है, बता रहे हैं, ठीक है, माइनस हो जाएगा, अच्छा बाबू माइनस है, ठीक है ना, बाई बराबर ए साइन एक्स प्लस बी है सर, एक बार डिफरेंशिएट कर कॉस है, दोबारा डिफरेंशिएट के ये आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो ना, यहाँ पे बाई की वैल्यू ये वाला पुट करो, डी टू बाई डी एक्स टू की वैल्यू ये वाला पुट करो, तो देखो डी टू बाई डी एक्स टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी यहाँ पुट करेंगे ना, हाँ सर, अब बाई बराबर ए साइन एक्स प्लस बी, तो मेरा जीरो नहीं आएगा, मतलब क्या सर, मतलब अगर इसको बाबू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में अगर कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में अगर कर देते बाबू, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन लिखेंगे बाबू, तो इक्वेशन लिखना वैलिड नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना बाबू, क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ किसका बाबू, पुट द वैल्यू ऑफ किसका, बाई का एंड डी टू बाई डी एक्स टू का, कहां बाबू, कहां, इन इक्वेशन वन में पुट करते हैं बाबू, तो देखो क्या होगा, क्या होगा बताओ, बाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, बाई की वैल्यू पुट करो, तो पहले डी टू बाई है ना, तो उसकी वैल्यू पुट करो, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी, और बाई बराबर कितना बाबू, ए साइन एक्स प्लस बी, अब ये दोनों क्या सेम है, तो इक्वल टू जीरो आया कि नहीं आया, ठीक है ना, और यही ना मेरा आरएचएस में है जी, यही ना आरएचएस, मतलब क्या सर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ये सोल्यूशन है, ठीक है ना, ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो सोल्यूशन है बाबू, इस सोल्यूशन इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या सर, जो मेरा सोल्यूशन आया वो क्या आया, सही आया, ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ में आती है तो अच्छी बात है, और नहीं आती है तो और अच्छी बात है, आप समझो ना, बाई का मान आपको इस तरह से निकालना पड़ता है, ठीक है ना, बताते हैं ना, अभी आप जो बता रहे हैं समझो ना, जनरल और पार्टिकुलर सोल्यूशन में क्या अंतर होता है, तो यहाँ देखो बाबू क्या है,
ए और बी, यहाँ पे ए बी क्या है मेरा कॉन्स्टेंट है, ए बी मेरा यहाँ पे क्या है बाबू कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम कॉन्स्टेंट ना कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे आर्बिटरी कॉन्स्टेंट कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बाबू आर्बिटरी कॉन्स्टेंट कहेंगे, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यह एक सोल्यूशन हुआ, और इसमें कुछ हम देखना चाहते हैं, कुछ और देखना चाहते हैं, कुछ और देखना चाहते हैं बाबू, क्या कहना चाहते हैं सर, जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन का दो सोल्यूशन आया कि नहीं आया, दो सोल्यूशन आया ना जी, हाँ सर हाँ सर। तो अगर एक इसका एक और फॉर्मेट ले लेते हैं डी टू बाई, अभी हम पूरा क्लास मेरा इसी इक्वेशन पर सोल्व होगा, ठीक है ना, यही डिफरेंशियल इक्वेशन लेगा मेरा पूरा क्लास चलेगा, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना, डी टू बाई डी एक्स प्लस बाई इक्वल टू जीरो, पूरा क्लास आज मेरा इसी पे चलेगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन तो ये हुआ, ठीक है सर। एक दूसरा सोल्यूशन अगर बाबू, दूसरा सोल्यूशन अगर हम मान लेते हैं, ठीक है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा सोल्यूशन अगर मान लेते हैं, ठीक है, तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है, बाई बराबर कितना है बाबू, फोर साइन एक्स प्लस थ्री, ठीक है। ये दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे बाबू ए भी तुम्हारा आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है, और ये मेरा चार और तीन मेरा क्या है सिंपल कॉन्स्टेंट है, अभी अंतर बता रहे हैं, ठीक है ना, सब बर्दाश्त करो दो चार मिनट। एक टर्म आता है बाबू वेरिएबल, अगर आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, एक आता है कॉन्स्टेंट और एक मेरा आता है आर्बिटरी कॉन्स्टेंट, तीनों में अंतर हम बता रहे हैं, पांच मिनट बर्दाश्त करो, पहले हमको जो बताना है वो बताने दो, है ना, ठीक है सर, ठीक है बाबू, तीनों में अंतर बता रहे हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन ये है, और एक इस डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा सोल्यूशन ये होता है, कैसे होता है सर बताएंगे, बताएंगे कैसे इसका सोल्यूशन निकालेंगे वो बताएंगे, जब एक दो दिन के सेपरेट चैप्टर रहे बाबू, कैसे इसको सोल्व करके निकालेंगे। मान लेते हैं दूसरा सोल्यूशन मेरा ये आया, तो अगर ये सोल्यूशन आया बाबू, तो ये भी सोल्यूशन इसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना, तब ना हम लोग कहेंगे जी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ये सोल्यूशन है ये सही है। सही तभी होगा जब यह सोल्यूशन जो सोल्यूशन बाई बराबर एफ ऑफ एक्स का जो फंक्शन है, इसको क्या करना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए बाबू, सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए बाबू, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, थोड़ा चेक कर लेते हैं ना, ठीक है सर, चेक कीजिए। तो यहाँ बाई है, इसको भी दो बार डिफरेंशिएट करो, तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करोगे हम डायरेक्ट यहाँ कर दें, आपको दिक्कत तो नहीं ना होना चाहिए, इंजीनियर बन चुके ना इतना दिन से तो पढ़ा ही रहे, तो दो बार अगर इसको डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएट कर देंगे बाबू, डी टू बाई डी एक्स टू दो बार डायरेक्ट कर देते हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक बार में करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, एक बार इसको डिफरेंशिएट करोगे कॉस आ जाएगा, और दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन नहीं आ जाएगा, हाँ सर, तो इसका कितना आ जाएगा, माइनस फोर साइन एक्स प्लस थ्री, नीचे लिख देते हैं, इसको दो बार अगर डिफरेंशिएट करेंगे बाबू तो माइनस फोर साइन एक्स प्लस थ्री, है ना, ठीक है सर, ठीक है, दिख रहा है उधर, पहले देख लेंगे, हाँ सर दिख रहा है, ठीक है। एक बार इसको डिफरेंशिएट करोगे ऐसी करो, दो बार डिफरेंशिएट करो ऐसी होगा, ठीक है ना, हम डायरेक्ट कर दें। अब देखो यहाँ से d2 by dx2 है, तो d2 by dx2 की वैल्यू यहाँ पुट करो और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो देखो मेरा जीरो आया कि नहीं, मतलब क्या सर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यह जो सोल्यूशन है ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यह जो सोल्यूशन है ये भी क्या कर रहा है सर, इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा। तो यहाँ से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बाबू कितना सोल्यूशन, दो सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या, अंतर कुछ नहीं बाबू, सिर्फ एक टर्म का अंतर है, क्या अंतर है, यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे चार तीन है, बात समझ में आ रही है, यहाँ पे बाबू ए बी है और यहाँ पे चार तीन है, मतलब क्या सर, ए बी तुम्हारा क्या हो गया, एक जनरल फॉर्म हो गया ना, ए की वैल्यू वन पुट करो, दो पुट करो, तीन पुट करो, बी की वैल्यू एक दो तीन चार कुछ पुट करो, तो ये तुम्हारा क्या बाबू, एक जनरल फॉर्म है, अच्छा, और ये तुम्हारा क्या एक स्पेसिफिक फॉर्म है ना, एक एक्स बराबर किसके लिए, चार, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या चार पुट किया गया, बी की वैल्यू तीन पुट किया, तो ये तुम्हारा क्या एक खास मतलब क्या बाबू, एक तुम्हारा ये क्या पार्टिकुलर है, क्या है, सोल्यूशन है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये कौन सा सोल्यूशन हुआ बाबू, पार्टिकुलर सोल्यूशन हुआ, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ए बी के कारण ये कौन सा सोल्यूशन हुआ, वो जनरल सोल्यूशन हुआ। इतनी बात समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो आसमान से समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन में बाबू दो टाइप का सोल्यूशन होता है, क्या सर, एक तुम्हारा जो कॉन्स्टेंट आएगा, जो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट आएगा, तो उससे जो सोल्यूशन मिलेगा बाबू उसको हम लोग कहेंगे जनरल सोल्यूशन, और आर्बिटरी कॉन्स्टेंट की वैल्यू कुछ पुट कर दो, एक दो तीन चार पांच कुछ पुट कर दो, तो उससे जो सोल्यूशन प्राप्त होगा बाबू, एक तुम्हारा क्या हो गया, चार हो गया, तीन हो गया, एक खास हो गया ना, एक पार्टिकुलर हो गया ना, तो इस सोल्यूशन का नाम हम लोग क्या देंगे बाबू,
पार्टिकुलर सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आती है तो ठीक है। तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बाबू, जनरल सॉल्यूशन का अगर डिफिनीशन लिखना कहे, जनरल सॉल्यूशन का अगर डिफिनीशन डिफाइन करना कहे बाबू, जनरल सॉल्यूशन को डिफाइन अगर करना कहे बाबू, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन को अगर डिफाइन करना कहे, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे, ये भी मेरा क्या बाबू, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, इसको ध्यान देना, ठीक है ना। तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें तुम्हारा क्या रहेगा बाबू, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट रहेगा। आर्बिट्री कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट में अंतर होता है, अभी बताएंगे, इसको बताने के बाद वही चरण आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो वैसा सॉल्यूशन बाबू जिसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट रहे उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, जनरल सॉल्यूशन कहेंगे, है ना। हाँ सर, कितनी अच्छा सा समझा दिए। अ सॉल्यूशन क्या लिखें बाबू, अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन, अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन क्या, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एज क्या बाबू, इज कॉल्ड एज जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है ना। यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे बाबू जिसका मतलब थोड़ा देर में बताएंगे, ठीक है ना। एक लाइन इसमें और लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट, बता रहे हैं इसका मतलब, ठीक है ना, जनरल सॉल्यूशन, आज मेरा क्लास इसी में खत्म होगा, रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व बाबू, फैमिली ऑफ कर्व, जनरल सॉल्यूशन मेरा क्या बताता है, फैमिली ऑफ कर्व को बताता है, ठीक है ना, ठीक है, लाइट कट गया बाबू, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व, है ना, बता रहे हैं इसको। तो इसमें एग्जांपल के रूप में क्या लिखें बाबू, जनरल सॉल्यूशन का ये क्या हो गया बाबू, एग्जांपल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या आर्बिट्री कॉन्स्टेंट नहीं है, इसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है बाबू, नहीं है, ये सिर्फ कॉन्स्टेंट है, 4, 3, 2, 1 कॉन्स्टेंट होता, और ए बी सी ये तुम्हारा क्या आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, अंतर बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर तुमको पार्टिकुलर सॉल्यूशन का डिफिनेशन लिखना है बाबू, इसके नीचे ये इतना लिखोगे, इसके बाद एग्जांपल नंबर ये वाला लिख लेना, ठीक है ना, एग्जांपल ये लिख देना, ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद अगर पार्टिकुलर सॉल्यूशन, नहीं बाबू पूछता नहीं, हमको समझाना है ना, हर एक चीज पूछता थोड़ी है जी, खाली पूछने वाला बताएंगे तो फिर आप लोग मैथ कैसे सीखोगे, ठीक है ना। हम आपको मैथ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी को जाकर पढ़ा सकते हो, ठीक है ना। ऐसे ही सब आपको कहीं कोई नहीं बताएगा, नहीं विश्वास होता तो किसी का काफी देखते हैं, है ना। लेकिन हाँ, जनरल सॉल्यूशन पार्टिकुलर सॉल्यूशन आपको टर्म किताब जब पढ़ोगे तो वहां पे आपको कंफ्यूजन होगा क्या होता नहीं होता, है ना। बाकी नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो हम भी करवा सकते हैं, करवाने में है क्या। नेक्स्ट हम लोग क्या देंगे बाबू, पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या देंगे बाबू, पार्टिकुलर सॉल्यूशन हम आपको इस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं कि आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में मेरा क्या आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट कंटेन आर्बिट्री कांस्टेंट, है ना बाबू, ठीक है। तो जिसमें तुम्हारा क्या हो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं हो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस बार ऐसा ना लिख सकते हैं, अ सॉल्यूशन व्हिच इज, ए सॉल्यूशन Which is free from arbitrary constant, ठीक है ना। अभी कॉल्ड बना लिखते हैं, सोल्यूशन विच इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। तो इसका एग्जाम्पल ये लिख लेंगे और इसका एग्जाम्पल हम लोग ये वाला लिख लेंगे, ये वाला इसके नीचे लिख लेंगे, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल ये वाला लिखो, आई डिमार्केशन किया हुआ है ये है, और इसका एग्जाम्पल हम उसको कहा ले उधर लिखे, आप लोग ऑल ओवर पिस्तौल हो जाओगे। इसके नीचे लिख देते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या लिख लेंगे बाबू, है ना, इसका एग्जाम्पल हो गया d2/dx2, लिखिए आप लोग, लिखते भी चलिए, खाली सुनिए रामकथा नहीं, जीरो,
ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा बाबू, बाई बराबर 4 sin x + 3, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो इस क्या तुम्हारा आर्बिट्री कांस्टेंट से क्या फ्री है ना, तो फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट। यहाँ पे जो तुम्हारा बाबू ए बी है, ए और जो बी है ना, ठीक है सर, ए और जो बी है बाबू, इसका नाम क्या यहाँ पे हम लोग देंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट देंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट। लिखिए फिर आपको अब अंतर समझा रहे हैं, क्या होता है आर्बिट्री कांस्टेंट और क्या होता है कांस्टेंट, क्या होता है वेरिएबल, इसका मतलब भी बताएंगे अभी थोड़ा देर में। जल्दी से लिखिए, अभी हम लोग 3 क्लास ये मेरा जा रहा है ना बाबू, अभी हम लोग क्वेश्चन पे नहीं आए, हम सोच रहे आपको जितना बढ़िया से हो सके उतना बढ़िया से बताएं, और इससे बढ़िया आपको कहीं का भी नोट्स देखे कोई भी कोचिंग का मिल जाएगा तो आपको फ्री में पढ़ाएंगे गारंटी के साथ से बाबू। जल्दी कीजिए, ये लिखना, ये लिखना, उसके बाद ये वाला लिखना, ऑल वर्ल्ड पीस सॉल्व मत होना, और उसके बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन देना, और ये लिख लेना सर, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। ए देवा हो देवा, अब हम क्या करें बाबू, तो हमको तो सुसाइड करना पड़ेगा, नहीं दिख रहा है क्या जी, और सभी को एकदम एचडी है सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, एचडी। जल्दी लिखिए, थोड़ा तेज कीजिए, लिखने में थोड़ा तेज रहिए बाबू, है ना, थोड़ा लिखने में तेज रहिए, जब तक हम इंक डाल देते हैं, ब्लैक वाला इंक खत्म हो गया है ना। बाकी तो सब है ही, रेड में भी थोड़ा फिनिश, थोड़ा जल्दी लिखिए, हमको बहुत पढ़ाना है, आप लोग 6:30 में बता दिए। ये आप पूजो और कर पड़ते हैं, म्यूट कर लो बाबू। अब मिटाएंगे, लिखे चाहिए मत लिखिए, मिटा देंगे। हो गया सर? हाँ बाबू हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो अपना मांगिएगा किसी से। हाँ, अब हमको क्या बताना, आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है ना, उसके बाद दो चार को इसी पे क्वेश्चन करवाएंगे। चलो देखो बाबू, आर्बिट्री कांस्टेंट उसको हम लिखाएंगे ना, आपको समझा देते, खाली आप समझने की कोशिश करो, कंसेप्ट क्लियर रखो, ठीक है। आर्बिट्री कांस्टेंट और कांस्टेंट और वेरिएबल में है ना, ठीक है सर। और यहाँ पे एक लाइन लिखा था ना, जनरल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व, यहीं से हमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर। देखो बाबू, अगर एक इक्वेशन लेते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए बाबू, फॉर एग्जांपल के लिए बाबू, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर, आर स्क्वायर होता है ना, ठीक है सर, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है बाबू, ये जो इक्वेशन है, ठीक है ना, ये जो इक्वेशन है बाबू, थोड़ा देख लेते आप लोग का सकल सूरत, ज्ञानी हरिंदर, बोलो हरिंदर बाबू, हरिंदर बाबू जी सर, ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन मेरा किस चीज का इक्वेशन है, पैराबोला का है, नहीं तो बाहर कर देंगे, ये सर सर्किल का, ये मेरा बाबू क्या सर्किल का इक्वेशन है, हाँ सर सर्किल का इक्वेशन, जिसका सेंटर क्या है बाबू बताओ, आर, सेंटर आर है, जीरो जीरो सर, जीरो देवा हो देवा, जीरो 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 और रेडियस तुम्हारा आर है ना, ठीक है ना, ये एक मब सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर क्या है, जीरो जीरो रेडियस आर है, ठीक है ना, ठीक है सर। आपको हम क्या बता रहे हैं, आपको हम आर्बिट्री कांस्टेंट, कांस्टेंट और वेरिएबल्स होता है, वो तीनों में अंतर बताने की कोशिश करें, ठीक है सर। अगर बाबू आर की वैल्यू अगर 1 पुट कर देते बाबू, इफ आर इक्वल टू 1 पुट कर देते तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बन जाएगा,
तो ये भी तुम्हारा एक सर्किल ही है ना, ठीक है सर, लेकिन इसका रेडियस कितना, 1 यूनिट है, ठीक है सर, ठीक है। तो हमको यहाँ पे बताओ बाबू, जो देखो ये मेरा एक स्पेसिफिक सर्किल हो गया आर बराबर 1 यूनिट के लिए, है ना। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट बाबू सर्किल के कर्व के, सर्किल के कर्व पे बाबू किसी भी पॉइंट पे देखेंगे, यहाँ पे एक्स वाई का क्या होगा, एक डिफरेंट वैल्यू होगा, ठीक है ना। एक्स वाई का एक पार्टिकुलर यहाँ पे क्या होगा, एक वैल्यू होगा। यहाँ इस पॉइंट बाबू एक्स वाई का एक दूसरा वैल्यू होगा, यहाँ पे बाबू क्या होगा, एक्स वाई का एक तीसरा वैल्यू होगा, ठीक है ना। मतलब हम क्या यहाँ कहना चाह रहे हैं, हम आपको ये कहना चाह रहे हैं इस सर्किल के इक्वेशन में, इस सर्किल के इक्वेशन में बाबू कर्व पे जहां भी पॉइंट लेंगे बाबू किसी, ठीक है ना, कहीं भी पॉइंट लेंगे तो हर एक पॉइंट पे एक्स वाई का वैल्यू बाबू क्या कर रहा है, भैरी कर रहा है, भैरी कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू कुछ और होगा, यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू कुछ और होगा, एक्स कोऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट कुछ और होगा ना जी, यहाँ पे कुछ और होगा यहाँ पे। मतलब हर एक पॉइंट पे एक्स वाई का जो वैल्यू है बाबू वो क्या कर रहा है, तुम्हारा चेंज कर रहा है, भैरी कर रहा। तो यहाँ पे जो एक्स वाई ई होगा बाबू, एक्स वाई तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बाबू मेरे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। ई जो एक्स वाई यहाँ पे होगा बाबू वेरिएबल हो जाएगा, क्यों सर, इसलिए बाबू कि इस एक सर्किल के लिए, अभी बात समझो, आर बराबर 1 यूनिट सर्किल के लिए, चाहे आर बराबर सर्किल के लिए कोई भी ले लो, तो एक्स वाई का वैल्यू, एक्स वाई का जो कोऑर्डिनेट है बाबू, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट है हर एक डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे उसकी जो वैल्यू आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट में, डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट में बाबू एक्स वाई का जो वैल्यू आ रहा है वो वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स वाई तुम्हारा क्या हो गया बाबू, वेरिएबल हो गया, ठीक है ना, एक्स वाई तुम्हारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा आता है आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ऑफ कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो देखो आर बराबर अगर 1 यूनिट ले लिया, आर बराबर अगर 1 यूनिट ले लिया बाबू, आर बराबर 1 यूनिट अगर ले लिया, ये तुम्हारा आर बराबर 1 यहाँ क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। मतलब क्या सर, सेंटर से इसके सर्कमफ्रेंस की दूरी कहीं से भी खींचो, यहाँ इस पॉइंट से मिला या इधर मिला या इधर मिला या इधर मिला, किसी भी डायरेक्शन में सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी मिला, किसी भी बाबू किसी भी डायरेक्शन में सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी मिला, तो सभी का दूरी क्या होगा, 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट होगा, ठीक है ना। सभी का दूरी कितना होगा, 1 1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाबू जो है, यहाँ पे 1 जो है बाबू, ये तुम्हारा कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ठीक है सर। क्या सर 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं, हाँ बाबू यहाँ पे आप 2 लोगे तो वो तुम्हारा 2 कॉन्स्टेंट हो जाएगा, अगर यहाँ पे 3 लोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 3 तुम्हारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। मतलब क्या, और बराबर यहाँ पे अगर 3 पुट कर दे तो बाबू, तो ये एक सर्किल है, लेकिन किसके लिए भरी वैलिड है, उसका रेडियस क्या है, 3 यूनिट है, उसका रेडियस क्या है बाबू, 3 अगर लेंगे तो 3 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा 1 2 3, जब आर की वैल्यू बाबू 1 2 3 अगर पुट कर देंगे तो उससे जो मेरा आर बराबर आएगा, वो जो सर्किल होगा बाबू, उसमें आर बराबर 1 2 3 अगर पुट कर देंगे, तो ये जो आर बराबर 1 2 3 हो गया, तो यहाँ पे 1 2 3 ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है सर। लेकिन इस इक्वेशन बाबू ई जो आर है, ये जो आर है बाबू, ये तुम्हारा आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, ये तुम्हारा क्या बाबू, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है। मतलब क्या सर, देखो क्या बात समझने की कोशिश करो, ये छोटा सा कंसेप्ट है बाबू, बहुत सारे लड़का को तो ये तो पता नहीं रहता, यहाँ तक कि टीचरों को नहीं पता रहेगा, वो चीज कर देगा आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगर सिर्फ यहाँ आर रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा एक सर्किल है जिसका रेडियस आर है, तो यहाँ पे आर तुम्हारा क्या हो गया, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हो गया। लेकिन तुम जब आर की वैल्यू, लेकिन तुम आर की वैल्यू, जब आर की वैल्यू 1 ले लिए, ठीक है ना, आर की वैल्यू अगर 1 ले लिए, तो तुम्हारा एक पार्टिकुलर सर्किल हो गया जिसका रेडियस क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो आर बराबर यहाँ क्या हो गया तुम्हारा, आर बराबर 1 तुम्हारा क्या हो गया, आर बराबर 1 अगर ले लिया या 2 ले लिया या 3 ले लिया, आर बराबर 1 ये होगा ना, आर बराबर अगर मान लो 2 यूनिट का सर्किल बनाओगे तो ऐसा बनाओगे, आर बराबर अगर 3 यूनिट लोगे तो सर्किल कुछ ऐसा होगा। तो आर का वैल्यू अगर बाबू, जब आप पार्टिकुलर एक वैल्यू ले रहे हो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 जो होगा वो आपका कॉन्स्टेंट होगा। लेकिन यहाँ अगर आर की वैल्यू आप नहीं लेके डायरेक्ट इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये जो आर है ये आर तुम्हारा आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है। समझ में आती है बात, तो ठीक है, यहाँ समझ में आया, किसी को दिक्कत है जी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमको ये बताओ बाबू, जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ आर के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए बाबू क्या होगा, मेरा एक डिफरेंट डिफरेंट सर्किल प्राप्त होगा। आर की वैल्यू 1 लिखेंगे तो ये सर्किल आएगा सर, आर की वैल्यू 2 लिखेंगे तो ये सर्किल आएगा, आर की वैल्यू 3 लिखेंगे तो एक और सर्किल, आर की वैल्यू मान लो 0.5 देगा तो इसके अंदर एक सर्किल। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं बाबू, जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट के कारण तुम्हारा क्या होता है, जो सर्किल प्राप्त होगा, जो कर्व प्राप्त होगा, वो एक फैमिली ऑफ कर्व नहीं होगा, फैमिली ऑफ कर्व नहीं होगा बाबू, ठीक है ना। आर्बिट्री कॉन्स्टेंट के कारण ही, इसी कॉन्स्टेंट के कारण तुम्हारा जो कर्व बनेगा बाबू, एक फैमिली ऑफ कर्व बनेगा। कैसे सर? ऐसे बाबू की आर की वैल्यू 0.5 लोगे तो ये कर्व, आर की वैल्यू 1 लोगे तो ये सर्किल, आर की वैल्यू 2 लोगे तो ये सर्किल।
मतलब आर की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करोगे वो तुम्हारा क्या बनेगा, कर्व का शेप वही रहेगा, कर्व का शेप मेरा क्या वही है, सिर्फ क्या हो रहा है उसका साइज बढ़ रहा। तो इस आर्बिटरी कॉन्स्टेंट के कारण जो मेरा कर्व बनेगा बाबू कहाँ जहां भी रहेगा आपको आर्बिटरी कॉन्स्टेंट, क्या सर्किले में रहेगा सर? नहीं बाबू, जैसे कहीं भी रह सकता है, बाई स्क्वायर बराबर जैसे पैराबोला है ना तो 4ax, तो यहाँ पे ए तुम्हारा क्या हो गया बाबू, बाई बराबर 4ax तुम्हारा क्या हो गया, पैराबोला हो गया। तो ए जो तुम्हारा यहाँ पे क्या आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है, तो इसका जो एक वैल्यू जैसे जैसे यहाँ पे एक की वैल्यू चेंज करोगे तो तुम्हारा एक पैराबोला मिलेगा, तुम्हारा क्या मिलेगा बाबू, अब यहाँ पे क्या होगा एक समय का क्या ऑलवेज पॉजिटिव है ना, हाँ सर, तो इसका पैराबोला का कर्व ये होगा। अब ए की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करोगे बाबू कुछ ऐसे पैराबोला बनते जाएगा, कुछ लंबा पैराबोला चौड़ा पैराबोला बनते जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए तुम्हारा क्या हो गया आर्बिटरी कॉन्स्टेंट हो गया। तो हमेशा ध्यान देना जब भी तुमको आर्बिटरी कॉन्स्टेंट रहेगा तो उससे जो मेरा कर्व बनेगा वो मेरा एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी जो ग्रीन कलम लिखा था बाबू यहाँ पे, ठीक है ना, आर्बिटरी कॉन्स्टेंट, तो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट तुमको कहाँ मिलेगा, जनरल सोल्यूशन में मिलेगा, है ना। अब हमेशा कसम खा कर मत बैठो कि हमेशा और मिलेगा, ए भी मिल सकता है, बी भी मिल सकता है, सी भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट तुमको कहाँ मिलेगा, जनरल सोल्यूशन में मिलेगा। अच्छा, जनरल सोल्यूशन में आर्बिटरी कॉन्स्टेंट तुमको मिल गया तो वहां से जो कर्व रिप्रेजेंट करेगा फैमिली ऑफ कर्व बनाएगा, एक परिवार बनाएगा। कर्व का क्या बनाएगा बाबू, एक परिवार बनाएगा। तो ये तुमको अंतर होता है कॉन्स्टेंट में, आर्बिटरी कॉन्स्टेंट में, अब वेरिएबल्स में, ठीक है ना। तो ये छोटी सी बात है बाबू, लेकिन आधा आधा क्या 99% का कंसेप्ट ना क्लियर होता, सीधे बोल देगा आर्बिटरी कॉन्स्टेंट होता है जो कॉन्स्टेंट के बराबर होता है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। इतनी बात समझ में आ गए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो इसका ये सोल्यूशन है। तो इसको अब क्वेश्चन आपको एक दो मार्क्स में पूछ सकता है कि ये जो सोल्यूशन है कहाँ गया, इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया d2 by dx2 + y = इसका ये सोल्यूशन है, इसको वेरीफाई कीजिए। तो तीन को क्वेश्चन ऐसा का वेरीफाई वाला हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई करना क्या है, कुछ नहीं है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन दिया हुआ रहेगा तो यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करना, अपना आंसर लाने का क्वेश्चन लाने की कोशिश करना, तो वही तुम्हारा क्या होगा वो वेरीफिकेशन हो जाएगा। तो आगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन टाइप करेंगे, ठीक है ना, वेरीफाई वाला। तीन को क्वेश्चन इसे कर लेते, बेसिक टाइप का क्वेश्चन आता है, टेक्निकल क्वेश्चन, ठीक है ना। वेरीफाई करना रहे तो वेरीफाई करना बाबू, यहाँ पे अभी ये लिखे थे ना जी, इसका क्या लिखे थे, d2 by dx2 + y = 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर ये सोल्यूशन है तो इसको चेक कीजिए कि सही है कि नहीं है। तो सही है नहीं है तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ से बाई की वैल्यू पुट करो, इसको डिफरेंशिएट करके दो बाई निकालो, उसको देखो कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर जीरो आ गया तो मेरा क्या आएगा, जो सोल्यूशन दिया रहेगा क्या रहेगा, सही है। तो उससे हम लोग रिलेटेड वेरिफिकेशन से रिलेटेड दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ से ई कैसे आएगा, यहाँ से ए साइन एक्स प्लस बी है ना, तो यहाँ से ई वाला कैसे आएगा वो हम सीखेंगे हम लोग अगले क्लास में, है ना, ठीक है सर। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे बाबू, इतनी तो समझ में आ गए, पार्टिकुलर सोल्यूशन आई जनरल सोल्यूशन, है ना। तो मेरा एक घंटा लगभग इसी में बर्बाद हो गया, 45 हो गया ना, 7 by 6 = 45 हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या देंगे बाबू, तो इसी तरह से पढ़ाते बाबू कि आपको किसी को पढ़ा सकते हो अगर रेगुलर क्लास किए हो। आर्बिट्री कॉन्स्टेंट के बारे में सर एक बार और बताइए ना। ये बाबू ऐसे मत करो, ठीक है ना, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट कुछ नहीं होता, कहीं भी तुमको ABCD अगर दिख गया, ठीक है ना, ठीक है ना, जहाँ पे तुम वैल्यू चेंज कर सकता तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हो जाएगा। वेरिएबल सर, वेरिएबल का तो भी चेंज कर सकते हैं, तो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं बाबू, लेकिन एक शांति से देखा नहीं इसीलिए दिक्कत हो गया ना, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं बाबू, तो इसीलिए तो उसका नाम एक कर्व के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा बाबू, डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे सर्किल बनाए, ठीक है, तो आर बराबर अगर 1 यूनिट ले लिए तो ये तुम्हारा सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा, बात समझता नहीं ना, x² + y² = 1, ठीक है ना। तो आर बराबर 1 ले लो, तो ये देखो बाबू एक सर्किल के लिए ये आर बराबर 1 स्पेसिफिक सर्किल हो गया, ठीक है ना। तो इस सर्किल के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे एक्स वाई का वैल्यू क्या रहा बाबू, डिफरेंट डिफरेंट हो रहा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्स वाई तुम्हारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, किसके लिए, आर बराबर 1 सर्किल के लिए, ठीक है ना, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आर बराबर तो एक सर्किल में बाबू ये हो गया तुम्हारा, अब तुम्हारे पास क्या कह रहा है कि आर बराबर अगर 1 सर्किल है, ठीक है ना, तो इस सेंटर से सभी की दूरी क्या होगा, ये कॉन्स्टेंट होगा, सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी किसी भी डायरेक्शन में निकालो बाबू कॉन्स्टेंट होगा। तो ये कॉन्स्टेंट कितना होगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 यूनिट होगा, क्यों, सर्कम की रेडियस है ना। तो यहाँ आर बराबर 1 तुम्हारा क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। और तुम्हारा आर्बिटरी कॉन्स्टेंट क्या होता है बाबू, अगर इस 1 को हटा के सिर्फ तुम आर रखो, 1 को हटा के सिर्फ आर रखो, तो आर तुम्हारा क्या हो जाएगा,
आर बराबर वन तुम्हारा कॉन्स्टेंट हो गया, आर बराबर अगर वन पुट कर दे इसको हटा के तो ये तुम्हारा कॉन्स्टेंट में आ गया, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको वन नहीं हटा के सिर्फ अगर तुम आर दे रहे हो तो यहाँ जो आर होगा ये तुम्हारा आर्बिटरी कॉन्स्टेंट होगा। क्यों सर? क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ से तुम चेंज कर सकते हो, आर की वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो आर बराबर वन ये होगा, आर बराबर अगर टू रखोगे तो ये तुम्हारा, आर बराबर तीन तुम्हारा रखोगे तो ये होगा। तो आर बराबर वन रखोगे तो ये आया टू आया, तो यहाँ पे भी तुम्हारा क्या हो रहा है, एक्स वाई की वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज कर रहा। तो हम आपको ये कहना चाहें वेरिएबल क्या, एक पार्टिकुलर सर्किल के लिए वेरिएबल इस पर्टिकुलर सर्किल के डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे एक्स वाई का वैल्यू क्या हो रहा है, वेरी कर रहा एक पर्टिकुलर सर्किल के। लेकिन इस पर्टिकुलर सर्किल के लिए बाबू जो आर बराबर वन है उस तुम्हारा क्या है, कॉन्स्टेंट है ना। इस पर्टिकुलर सर्किल के लिए आर बराबर अगर वन लिया तो तुम्हारा फिक्स है, कभी चेंज कर रहा है, नहीं चेंज करेगा ना। आर बराबर वन तुम्हारा इस डायरेक्शन में लो चाहे इस डायरेक्शन में लो चाहे इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आर बराबर वन तुम्हारा क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो गया। किसके लिए, किसके लिए, इसी के लिए, ये सब छोड़ के इसी के लिए है ना, इसके लिए कॉन्स्टेंट हो गया। क्यों सर? क्योंकि आर बराबर वन तुम्हारा चेंज नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट लेते हैं एक्स वाई, तो इस सर्किल के लिए एक्स वाई हर एक पॉइंट पे क्या कर रहा है बाबू, चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है। समझ में आता है बात, ठीक है। तो इस सर्किल के लिए आर बराबर वन सर्किल के लिए यहाँ पे हर एक पॉइंट पे एक्स वाई की वैल्यू कोऑर्डिनेट तुम्हारा चेंज कर रहा, तो तुम्हारा वेरिएबल हो गया। और वन है तो सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी सभी जगह क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है, सब जगह क्या बराबर, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। लेकिन आर यही वन नहीं रखे, सिर्फ आर रखो तो आर की वैल्यू अगर वन लगो तो ये सर्किल प्राप्त होगा, आर की वैल्यू टू लगो तो ये सर्किल प्राप्त होगा, आर की वैल्यू तीन लोगे तो ये सर्किल, चार लोगे तो ये सर्किल। तो आर की जैसे जैसे वैल्यू चेंज करेंगे वहां पर मेरा क्या होगा, एक डिफरेंट डिफरेंट सर्किल प्राप्त होता जाएगा डिफरेंट डिफरेंट रेडियस का, है ना। तो आर बराबर वहां क्या हो जाएगा, आर्बिटरी कॉन्स्टेंट हो गया। समझ में नहीं आया, क्या नाम था जी? नहीं सर, नहीं आया समझ में? नहीं सर। अब बाबू तो अब हम क्या करें, अब नहीं आ रहा तो आपको क्या करें, क्या बाबू ये वाला जो क्वेश्चन बताया लड़का को जनरल सोल्यूशन में जाएगा? हाँ बाबू, जहाँ भी आपको आर मिलेगा वो तुम्हारा जनरल सोल्यूशन है, जहाँ भी एक दो तीन चार मिल जाएगा वो तुम्हारा पार्टिकुलर सोल्यूशन है ना, ठीक है ना। मोटा मोटी यही समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे बाबू, वेरिएबल का सर मान अलग अलग हो सकता है और आर्बिट्री कॉन्स्टेंट का मान एक ही हो सकता है। बात बाबू जब आर वेरिएबल एक कर्व, बात समझता नहीं ना, सुनवे नहीं करता। एक कर्व के लिए बाबू वेरिएबल का मान अलग अलग होगा, जैसे आर बराबर अगर वन, यहाँ पर वन फुट एक के कर्व है ना जी, आर बराबर वन रेडियस के लिए यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू कुछ और होगा, यहाँ एक्स वाई की वैल्यू और कुछ है एक कर्व के लिए। तो एक कर्व के लिए बाबू यहाँ क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे अगर वेरी मेरा क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे एक्स वाई का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। यहाँ कुछ एक दो होगा, यहाँ मान लो माइनस है ना, तो यहाँ मान लो एक है माइनस टू है, यहाँ जाओगे तो दोनों पॉजिटिव, यहाँ जाओगे तो एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव, यहाँ दोनों निगेटिव है ना। तो एक कर्व के लिए वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है सर। आज का मेरा समय ही बर्बाद कर दो, ठीक है ना। दूसरा आपको क्या कर, आर बराबर वन के लिए, लेकिन आर बराबर अगर दूसरा सर्किल बनाओगे बाबू तो दूसरा सर्किल बनाओगे तो ये दूसरे सर्किल हो गया, तो दूसरे सर्किल के लिए तो तुम्हारा वेरिएबल डिफर हो गए, ठीक है। तो ये दूसरा सर्किल हो गया, ठीक है। तो आर बराबर वन जो हम लिए, तो इस सर्किल के लिए सभी डायरेक्शन में आर बराबर एक तुम्हारा क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। सभी डायरेक्शन में एक बराबर आर बराबर वन क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। लेकिन अगर तुम आर नहीं रखे, एक नहीं रखे, सिर्फ इसको अगर आर रहोगे बाबू, तो आर की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट जैसे चेंज करोगे तुम्हारा क्या होगा, सर्किल मेरा चेंज होते जाएगा ना। आप छोड़ दो, अब इससे ज्यादा ना समझाए। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई द फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं बच्चे वाला क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे बाबू, वेरीफाई द फंक्शन, वेरीफाई द फंक्शन, ठीक है ना। वेरीफाई द फंक्शन क्या बाबू, बाई बराबर, बाई बराबर क्या है, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, जहां बाबू क्या है, ए बी बिलोंग्स वेयर ए एंड बी बिलोंग्स रियल नंबर, ठीक है। A and B belongs to real number. Is the solution of differential equation? Kiska babu? Is the solution of differential equation d2 by dx2 plus y equal to 0? ध्यान देना। Starting में भी थोड़ा देर पहले यही differential equation लिए और यहाँ भी यही लिए। यहाँ भी क्या लिए बाबू? ये थोड़ा देर पहले लिया था ना। हाँ सर, तो जब थोड़ा देर पहले लिया था, लिखना नहीं है, थोड़ा देर पहले लिया था बाबू यही इक्वेशन लिया था d2 by dx2, ठीक है सर।
प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो इसका सोल्यूशन क्या आया था, वाई बराबर याद होगा तो ठीक है, नहीं तो आप लोग पीछे देखो एक्स प्लस बी आया था, ठीक है जनरल सोल्यूशन है ना। तो आपको क्या करा, वेरीफाई द फंक्शन वाई बराबर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, बी साइन एक्स है ठीक है ना। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ये सोल्यूशन है ये क्या है, सही है, इसको तुमको चेक करना है ठीक है ना, चेक करना है सही है कि नहीं है ठीक है ना। और इसमें हम मेन कंसेप्ट एक है बताएंगे आपको थोड़ा देर में, पहले इसको हम लोग वेरीफाई करो। तो वेरीफाई करने वाला जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ नहीं आएगा, सिंपल से चेक नहीं सा रहेगा ठीक है ना, उसको तुम सोल्व करना ठीक है ना, और आंसर लूट लेना ठीक है, एकदम चटनी वाला रहेगा, कुछ नहीं है। क्या दिया बाबू, दिया हुआ क्या क्या है, दिया हुआ मेरा क्या है, गिवन है डी टू बाई डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू जीरो है ना, और क्या दिया हुआ, वाई बराबर ए कोस एक्स और प्लस बी साइन एक्स दिया हुआ, ठीक है सर है ना, कोई दिक्कत है। अब इस ये जो सोल्यूशन है किसको, इसका इसका सही है कि नहीं है, तो यहाँ क्या करो, बाई की वैल्यू यहाँ पुट करो, इसको दो बार डिफरेंशिएट करके यहाँ की वैल्यू पुट करो, अगर देखो वह वैल्यू जीरो के बराबर आ रहा है तो मेरा सोल्यूशन सही होगा, नहीं आएगा तो मेरा सोल्यूशन सही नहीं होगा ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन में ऐसे दे सकता है, ऑप्शन ए ट्रू फॉल्स या क्या दे सकता है, नन ऑफ दी जैसे कुछ करके दो तीन ऑप्शन बना देगा, नहीं तो दो नंबर में पूछेगा तो आपको सोल्व करके बनाना है ना, ऐसे सोल्व करके बनाना जैसे आपको बना रहा है। तो बाई की वैल्यू तो पता है बाबू, यहाँ से हमको दो बार इसको डिफरेंशिएट करो ना, तब ना डी टू बाई डी एक्स टू आएगा। तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई डी एक्स बराबर कितना होगा, माइनस ऑफ ए साइन एक्स कॉस का और प्लस बी ऑफ कॉस एक्स, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, हमको दो बार चाहिए ना, तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट करो, तो डी टू बाई डी एक्स टू माइनस ऑफ ए साइन का कितना हो जाएगा, वो कॉस हो जाएगा तो ए कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस का कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो माइनस बी साइन एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब d2 by dx2 आ गया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करो ठीक है ना, ठीक है। तो इसको अगर इक्वेशन वन नाम दे दो तो बाबू ठीक है, तो पुट द वैल्यू, देखो जीरो आता कि नहीं आता, आ जाता तो सही बात है, पुट द वैल्यू ऑफ किसका बाबू, y एंड d2 by dx2 का कहाँ पे, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, तो d2 by dx2 कितना है, ए कॉस, ये सब बच्चा वाला चीज है ठीक है ना, लेकिन नए क्वेश्चन करवाएंगे तो फिर आप लोग कहोगे कि इस टाइप का तो करवाएगा ना, कि है कॉपी में डी टू बाई डी यही है ना, आप प्लस बाई की वैल्यू पुट करो, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, देखो ना यहाँ एक लाख रुपया की कंसेप्ट है ठीक है ना, बी साइन एक्स, देखो ए कॉस एक्स और बी साइन एक्स आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इक्वल टू जीरो नहीं आ गया, और ये जीरो और एच एस जीरो है कि नहीं, मतलब मेरा क्या दिया, जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यह जो सोल्यूशन है क्या बाबू, सही है ना, तो यही तुम्हारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया ठीक है सर। अब हमको यहाँ पे एक डाउट ये उठता है सर, आप स्टार्टिंग में बताएं, इसमें इसमें कोई तो अंतर है नहीं है ना, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टार्टिंग में आप एक सोल्यूशन ये बताएं और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन ये भी सेटिस्फाई कर रहा, तो हमको एक डाउट हो गया सर, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का कितना सोल्यूशन होगा ठीक है ना, कितना सोल्यूशन होगा, दो गो होगा चार गो होगा है ना। तो बाबू आपको बताएं ठीक है ना, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का बाबू ओनली वन ही सोल्यूशन होता है ठीक है ना, एक से ज्यादा सोल्यूशन नहीं होता ठीक है। जैसे कैसे सर, जैसे मान लो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर ये सोल्यूशन लेते हो, ये सोल्यूशन लेते हो, तो ये भी तुम्हारा एक क्या करेगा, कर्व को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है ना। यहाँ ए भी तुम्हारा क्या बाबू, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, और इसी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट के कारण, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट के कारण बाबू क्या करेगा, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट के कारण तुम्हारा क्या बनेगा, एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। तो इससे तुम्हारा एक फैमिली, इस इक्वेशन से तुम्हारा एक फैमिली ऑफ कर्व बनेगा, एक टाइप का एक प्रकार का फैमिली ऑफ कर्व बनेगा, और इस इक्वेशन का ये भी सोल्यूशन है बाबू, तो इससे मेरा क्या बनेगा बाबू, एक दूसरे टाइप का फैमिली ऑफ कर्व बन जाएगा। तो एक इक्वेशन से, एक डिफरेंशियल इक्वेशन से दो डिफरेंट प्रकार का फैमिली ऑफ कर्व नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता ठीक है ना। तो इसीलिए बाबू ये इस इक्वेशन का यह जो सोल्यूशन है ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये जो है, ये जो सोल्यूशन है बाबू कैसे आएगा, कैसे, तो ये जो सोल्यूशन है इसी से आया, इसी से, इसी को थोड़ा तुम सिंप्लीफाई करो ना, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना, देखो ना ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो इसमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यह जो सोल्यूशन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यह जो सोल्यूशन है, दोनों में कुछ नहीं अंतर है, सेम है, दोनों सेम है ठीक है ना, खाली देखने का नजरिया तुमको दो दिखाई दे रहा, लेकिन दोनों सोल्यूशन बाबू सेम है। कैसे सर, देखो अभी तुमको सिद्ध कर रहे हैं ना, अभी सिद्ध कर रहे हैं तुमको, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो,
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, है ना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का दोनों सेम है बाबू, ऐसे हो ही नहीं सकता कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का दो विभिन्न प्रकार के, ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं, विभिन्न प्रकार दो डिफरेंट प्रकार का फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा, ठीक है ना। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक के गो फैमिली ऑफ कर्व आएगा, एक के प्रकार का आएगा, ठीक है ना। नहीं तो दो प्रकार का आएगा तो तुम कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा है, बताओ। एक आदमी से बाबू एक इक्वेशन का दो अगर डिफरेंट प्रकार का कर्व आ जाएगा तो तुमको कैसे पता चलेगा कि मेरा ओरिजिनल कौन सा, ठीक है ना। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक से सोल्यूशन आता है, ठीक है ना। तो इसका जो सोल्यूशन है स्टार्टिंग में लिखे थे हम लोग, क्या लिखे थे, ठीक है ना, वाई बराबर ए साइन एक्स प्लस बी लिखे थे, है ना, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना, देखो ना सिंप्लीफाई करके यही तुम्हारा आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो वाई बराबर ए हो गया, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए प्लस बी पे इसको तोड़ा ना, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए cos a into sin b, कोई दिक्कत नहीं सर। तो y बराबर क्या होगा बाबू, इसको वाले एक साथ इसको a से गुना कर दो, तो इसको ऐसे लिख दें a cos b into sin x और प्लस इसे एक गुना कर दो तो a sin b into cos x, कोई दिक्कत नहीं। और ये तुम्हारा क्या बाबू, ये तुम्हारा कॉन्स्टेंट है, और यहाँ भी ए भी तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। अरे बाबू ए अभी यहाँ तुम्हारा क्या है, एक कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको हम जब यहाँ पढ़ा रहे थे प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे थे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन बाबू, तो ये दोनों कांस्टेंट के बदले अगर हम एक नया कांस्टेंट दे देते हैं, नया कांस्टेंट दे देते, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो दो कांस्टेंट के बदले एक नया कांस्टेंट दे दो ना, तो उसको हमने ए नाम दे दिया, तो ए साइन एक्स और प्लस ये भी कांस्टेंट है, साइन बी भी तुम्हारा क्या है कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट के बदले क्या है एक नया कांस्टेंट दे देते हैं, उसको बी दे देते हैं, तो बी कॉस एक्स, ठीक है। तो यही चीज वह आया कि नया, यही चीज वह आया कि नया, तो इसमें बाबू इस डिफरेंशियल ई सॉल्यूशन और इस डिफरेंशियल ई सॉल्यूशन दोनों में कोई अंतर नहीं है, समझ में आती है बात, ठीक है, ठीक है। तो इतना आप इसको लिखो, इसमें एक टर्म हमको और एक पॉइंट लिखाना है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या बाबू, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या है, जनरल सोल्यूशन है। क्यों सर जनरल सोल्यूशन, इसलिए क्योंकि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अगर ए की वैल्यू एक दो ले लोगे, एक पार्टिकुलर ले लो, तो तुम्हारा कैसा निकल जाएगा, पार्टिकुलर सोल्यूशन निकल जाएगा, है ना सर। वहाँ ए कॉस एक्स बाबू, ये ए कॉस बी है ना, नीचे सर उसके नीचे और ऊपर देखिए ना, यहाँ ए साइन बी है, तो ये तुम्हारा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट बदले ये आप लाइन बोलो, एक लाइन दो लाइन तीन लाइन चार में जो y बराबर a cos x plus b sin x है ना, अच्छा यहाँ ये साइन, हाँ तो a cos x plus b sin x, ठीक है। अरे अरे बाबू अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, लो ना भाई लो ना, ऑल बोल पिस्तौल के ए कॉस बी है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा एक कांस्टेंट है ना, तो इस कांस्टेंट को हम लोग एक नाम दे दो, ठीक है ना, इस कांस्टेंट को एक बी नाम दे देते। ये जो कांस्टेंट है बाबू, कांस्टेंट दो कांस्टेंट को गुना, जैसे दो गुना दो तो एक नया कांस्टेंट चार आएगा, तो उस कांस्टेंट को कुछ मान लो ना, क्या फर्क पड़ता। तो इस कांस्टेंट को हमने बी मान लिया, कैपिटल मानते तो ठीक रहता, स्मॉल मान लेते हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। इसको बी मान लो और इसको ए साइन है, इसको ए मान लो, तो तुम्हारा वही वाला नहीं आ गया, तो इसको तो ऐसा ना लिख सकते ए कॉस। हाँ बाबू बोलिए, आप क्या बोल रहे थे, अगर कैपिटल मानते ना तो ए कॉस बी का। हाँ हाँ आपकी बात कहना एकदम सच है, लेकिन यहाँ पे हम कैपिटल मान लेते वो तो आपको एकदम कहना चाहते है, लेकिन यहाँ पे हमको यहाँ पे आपको ये दिखाना ना, हमको ये बताना पर्पस नहीं था, हमको यहाँ पे ये दिखाना था, ठीक है ना। आप कैपिटल मान लेते तो फिर आप बोल पे सोल्व सर यहाँ कैपिटल नहीं है, यहाँ छोटका है, तो कांस्टेंट आप कुछ भी लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हमको यहाँ मेन सिस्टम को कंपेयर करना था, लिखिए हाँ लिखिए हमको कंपेयर करना था, आप कैपिटल भी लीजिए लेकिन फिर भी आप ही लोग पूछेगा सर ऊपर में तो क्या स्मॉल है। जल्दी करो बाबू, तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ मेरा क्या बाबू, अच्छा लिखो तो समझाते हैं, थोड़ा जल्दी लिखो बाबू, टाइम नहीं, आप लोग टाइम भी बहुत ज्यादा लेते हो समझने में। टाइम भी हो गया, उससे क्या मतलब, हो गया तो हो गया, जाना है जिनको जाइए, पढ़ना है जो पढ़ेगा, धीरे देर से समझोगे तो उनको देर तक पढ़ाना पड़ेगा ना बाबू।
लिखते भी देर से हो, समझते भी देर से हो, सब चीज तो देर से करते हो लिखने से। अब देखो क्या है, एक टर्म लिखा देते हैं, एक नोट्स करके लिखा लेते हैं बाबू, है ना, लाख रुपए की बात है। देखो क्या बाबू, इस डिफरेंस, ये कितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है सर? ऑर्डर है डिग्री, आपको कल बता दिया ठीक है ना, अगर दिक्कत है तो छोड़ दो। ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ कितना आर्बिट्री कांस्टेंट आया? दो गो आया। मतलब क्या आप कहना चाहते हैं बाबू, यहाँ पे जो आर्बिट्री कांस्टेंट ए बी है कितना है? ये तुम्हारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, है ना, आर्बिट्री कांस्टेंट है कि नहीं? तो यहाँ पे दो ऑर्डर का है बाबू, तो दो गो क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट आया। तो बाबू जनरल सॉल्यूशन में जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतना क्या आएगा, आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। मान लो यहाँ तीन रहता है, यहाँ तीन गो रहता है, थ्री ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है, तो यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या तीन होता है, एक ए होता है, एक बी होता है, एक सी आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग नोट्स करके लिख सकते हैं बाबू, एक नोट्स करके पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं, एक नोट्स करके लिख सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, क्या लिखेंगे ठीक है, ये इसका क्या है, जनरल सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो एक नोट करके लिख लो बाबू, ठीक है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट बाबू, ठीक है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कहाँ बाबू, इन जनरल सोल्यूशन। इसका ये क्या है, जनरल सोल्यूशन है, आर्बिट्री कांस्टेंट के कारण ही जनरल बनता है ना। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन जनरल सोल्यूशन, आप लोग भी लिखते चलिए, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्या कह रहे हैं बाबू, हम ये कह रहे हैं ना कि अगर तीन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वहाँ तीन आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, चार है ऑर्डर का तो वहाँ चार आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। तो अगर एन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन का, तो उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना होगा, एन होगा, ठीक है सर। एक पॉइंट और लिख लेंगे बाबू, एक नंबर पॉइंट हो गया, दूसरा नंबर पॉइंट लिख लेंगे। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकुलर सोल्यूशन में कितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा हमको ये बताओ। अगर बाबू मान लो एन ऑर्डर का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पार्टिकुलर सोल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना होगा बताओ, कोई बताओ, एन होगा, एन होगा, एन होगा। अरे बाबू अब तो पार्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होता कहां है, जब नहीं पड़ता है देवा देवा। आर्बिट्री कांस्टेंट सिर्फ जनरल सोल्यूशन में ना होता है, जो पार्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्री वहां कांस्टेंट सिर्फ होता ना, नहीं समझ में आया? नहीं पड़ता पार्टिकुलर सोल्यूशन में बाबू, पार्टिकुलर सोल्यूशन में सिर्फ कांस्टेंट होता है ना, एक दो तीन चार, वो कांस्टेंट होता है ना, तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है ही नहीं, तो वहां से क्या होगा, वहां आपको नंबर ऑफ अथी क्या मिलेगा बताओ, आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या कितना, जीरो नहीं हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि पार्टिकुलर सोल्यूशन में मेरा आर्बिट्री कांस्टेंट है ही नहीं है। तो डिफरेंशियल ऑर्डर एन ऑर्डर का लो, चाहे चार ऑर्डर का लो, चाहे पांच ऑर्डर का, समय में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नहीं पढ़ते हो मन से पीछे वाला का, तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे बाबू, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन था बाबू, इन पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन इन पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ऑफ डायरेक्ट अब लिखते हैं ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन इज क्या होगा बाबू, जीरो होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा पॉइंट था। हाँ बाबू बोलो सर, पार्टिकुलर में हम लोग चेंज नहीं कर सकते ना, बस एक ही वैल्यू उसका, मतलब इक्वेशन से आ गया, और इसमें हम लोग अगर वैल्यू देंगे तो फिर हम लोग उसका चेंज कर सकते हैं, ये हो गया। हाँ
यहाँ ए की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पुट करो, ए की वैल्यू 1 पुट करो, बी की वैल्यू 1 पुट करो, तो तुम्हारा पर्टिकुलर सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिंपल ए भी है तो तुम्हारा आर्बिट्ररी जनरल सोल्यूशन में, ठीक है। तो ये वेरीफाई वाला क्वेश्चन था, एक दो और फटाक से निकल ले तो उसके बाद आपका सेवा समाप्त कर देंगे। लिखे जल्दी से, ये छोटा छोटा चीज है बाबू, डिफरेंस। आप किताब उताब पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कोई भी राइटर की किताब पढ़िए, ठीक है ना, क्वेश्चन बनाए नहीं दिक्कत हो। ऐसे हम नहीं बताएंगे तो फिर आप लोग गोल गोल पिस्तौल से आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता होते रहिएगा। इसलिए हम आपको मैथ पढ़ाते उड़ाते नहीं, सिखाने की कोशिश करते हैं। पढ़ाना रहता बाबू सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन से शुरू कर लिख लिए, चलिए अच्छी बात है। अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते, फटाक से नहीं वेरीफाई द है ना, एगो हुआ दूसरा नंबर कर लेते हैं बाबू, ठीक है। सो डेट सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, सो डेट बाई बराबर क्या दिया हुआ, सो डेट बाई बराबर ए एक्स प्लस बी वाई ए, एक्स प्लस बी वाई ए इज द सोल्यूशन, इज द सोल्यूशन ऑफ द, आप लोग भी लिखते चलिए, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा, बाई बराबर एक्स इंटू डी वाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई डी एक्स प्लस, और आपका क्या बाबू, एक क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, यहाँ से कर दो बी कर दो, बी बटा डी वाई डी एक्स कर देगा, है ना। आपको क्या करने का है बाबू कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यह जो सोल्यूशन है, ठीक है ना, यह जो सोल्यूशन है ये तुम्हारा क्या कर रहा है, यही सोल्यूशन होगा, शो करने का ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यही सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो आपको शो करने का है बाबू, चाहे वेरीफाई करने का है, सबका तरीका एक ही है ना, सबका तरीका क्या है बाबू, एक ही है, ठीक है, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, आसान है, कुछ नहीं है, या हो जाएगा देखो, नहीं तो आप इसको करके लाना है ना। क्या करना है, डी बाई डी है ना, तो यहाँ से एक बार यहाँ पे देखो, हमको डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या दिया वहां से दिमाग लगाना, यहाँ सर देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या बाबू डी वाई डी एक्स है, एक के को डी वाई डी एक्स है, तो इसको एक के को क्या करो, इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करना, ठीक है ना, उसके बाद सोल्व करने की कोशिश करना। कर दीजिए सर, देखो क्या दिया हुआ हमारा, क्या दिया डायरेक्ट हमें, बाई बराबर कितना ए एक्स प्लस बी बाई ए है, ठीक है सर, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है सर। अब इसको क्या करो बाबू, डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो, ठीक है ना, डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो तो कितना हो जाएगा बताओ, डी वाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करो बाबू, एक तो तुम्हारा ये हो गया, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या करना है, ये वाला लाना है ना, ये वाला लाना है ना, ठीक है। तो इसको तुम क्या कर सकते हो, यहां से तुम क्या कर सकते हो बताओ, ए की वैल्यू आ गया और तुम्हारा देखो कुछ नहीं है, ठीक है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हो गया। अब हमको तुमको वेरीफाई करना है, शो करना है, ठीक है ना। तो किसी एल एच एस से लेकर सोल्व करो, आर एच एस ले आओ, चाहे इसी को लेकर सोल्व करो, ठीक है ना। इसको क्या करो, यहाँ पे वैल्यू ए बी की वैल्यू पुट करो और देखो कि मेरा ओ बोला आता है कि नहीं आता, कौन बोला आता है, ना समझ में आ रहा समझ में जी, तो सर वो आर एच एस वाले में डी वाई डी एक्स की जगह ए कर देंगे तो हमारा वो आ जाएगा, हो गया बात, तेरा सही बात है, हो गया। तो इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा। तो अगर यहाँ से क्या दिया हुआ, वो गिवन क्या दिया हुआ, बाई बराबर क्या दिया हुआ, एक्स इंटू डी वाई डी एक्स, किसी तरह तोड़ मरोड़ के आपको करना है बटा डी वाई डी एक्स, है ना। यहाँ से डी वाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो तो एक्स इंटू डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, अब प्लस बी बटा डी वाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, डी वाई डी वाई, यहाँ पे तो तुम्हारा क्या डी वाई डी एक्स की वैल्यू अगर पुट कर दो बाबू तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, यही तो चीज हो गया, उलट फुलट के इसी तरह तुमको ऐसी करना, ठीक है ना। और नहीं अगर यहाँ से नहीं पसंद पड़ता तो यहाँ से उठाओ, इसी क्वेश्चन को उठाओ और डी वाई डी एक्स की वैल्यू देखो क्या करो,
यहाँ से तुम क्या करो, ठीक है ना, इसको उठा और इस इक्वेशन से तुम क्या करो, यहाँ से तुम सोल्व करो, ठीक है ना, किसकी वैल्यू पुट करोगे, डी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट के ना एजी, और नहीं तो हम ये कहना चाह रहे हैं ना, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे तुम वैल्यू अगर पुट करोगे बाबू, एक तो ये तरीका होगा, दूसरा तरीका क्या होगा, एक ही वैल्यू, ठीक है, एक ही वैल्यू यहाँ पे पुट करो ना, अगर ऐसे नहीं होता तो ऐसे करो, एक ही वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो वाई बराबर कितना है, ए एक्स प्लस बी वाई ए है, ठीक है सर, तो वाई बराबर, अब एक ही वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो तो मेरा ई आता है कि नहीं आता, ये भी सही है, और नहीं तो एक ही वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो एक ही वैल्यू मेरा कितना आया, एक ही वैल्यू कितना आया, डी वाई डी एक्स आ गया, ठीक है, अब प्लस बी अपॉन क्या आ गया, डी वाई डी एक्स आ गया, तो कान ऐसे छुए चाहे ऐसे छुए, यही ना मेरा है, यही ना है, इन दोनों में अंतर है, ठीक है, तो आप इसको उठा के इसको कीजिए, इसको उठा के इसको कीजिए, कोई अंतर नहीं है, बना के लाएंगे क्या सर, ये तो बनाइए दे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बना के लाना बाबू, इसी में सो दे सो डेट तो वाई बराबर एक्स प्लस बी वाई इज द सोल्यूशन ऑफ, इसको लिखो आप लोग जल्दी से, दो दे देते आप बना के लाना, नीचे में लिखना दीजिए, लिख लिए सर, चलिए लिख लिया, हाँ नीचे लिख लीजिए ना, किया सर, रुकिए सर, लिखो जल्दी से बाबू, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन होगा, ठीक है ना, लेकिन एक सोल्यूशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है ना, एक के सोल्यूशन होगा, ठीक है, आपको हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू, ठीक है ना, क्या कहना चाह रहे हैं सर, ठीक है, एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन का बाबू एक सोल्यूशन होगा और दूसरा आपको क्या होगा, उसका दो गो आंसर आ सकता है, देखो कैसे, पहले आप लोग बचे कितना के भाग गया सर, चार गो भाग गया, देखो क्या कर रहे हैं कि सो डेट द बाई बराबर एक्स प्लस बी बाई ए, ठीक है ना, एक्स बराबर बी बाई ए इज द सोल्यूशन ऑफ क्या, इज द सोल्यूशन ऑफ क्या बाबू, इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स टू प्लस ए स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स, ठीक है, माइनस बाई इक्वल टू जीरो, ठीक है सर, तो देखो दोनों क्वेश्चन में अंतर समझने की कोशिश करो, ये एक दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो इसका सोल्यूशन ये आया, और दूसरी बार जो इसके पहले लिए वो एक दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन था बाबू, तो दो डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर तुम्हारा सेम आ सकता है, लेकिन एक डिफरेंशियल इक्वेशन का दो डिफरेंट सोल्यूशन नहीं आएगा, ये तुम्हारा एक अलग टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हो सकता है संजोग से, अब ऐसा संजोग हो गया, ठीक है ना, ऐसा संजोग हो गया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन आया ये आया, और अभी थोड़ा देर पहले जो सिद्ध किए थे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है था ना बाबू, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सोल्यूशन मेरा ये आया, तो दो गो डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर तो सेम आ सकता है ना बाबू, दो गो मान लो दो गो डिफरेंट इक्वेशन है तो उसका रूट सेम नहीं आ सकता है, ठीक है ना, लेकिन एक इक्वेशन का, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक के वो सोल्यूशन आएगा, ये बात समझ में आया कि नहीं आया, इस क्वेश्चन में हम इसी तरह आपको इसीलिए कंफ्यूजन करने के लिए तैयार किया गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये भी सोल्यूशन है, और अभी जो पिछला बार डिफरेंशियल इक्वेशन लिए थे उसका सोल्यूशन भी यही है, तो आपको हम ये कहना चाह रहे हैं कि दो यहाँ क्या है, दोनों दो प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, सेम हो सकता है, तो ये कंडीशन आपको फॉलो हो सकता है, दो डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर सेम हो सकता है, ठीक है ना, समझ में आती है नहीं आया जी, चलिए ठीक है, मत बोलो, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आप कर लेना, इसी प्रकार हम ये क्वेश्चन चुन के लाए, ठीक है ना, कि इसका भी यही है और पीछे वाला का भी सोल्यूशन यही है ना, एक क्वेश्चन आओ आप लोग कर लेना बाबू, इसको डी आई बाई कर लेना, ठीक है ना, वेरीफाई द फंक्शन, कितना बज गया, 7:15 बज गया ना, वेरीफाई द फंक्शन, ठीक है, अब इससे ज्यादा आपको वैरायटी ना पूछेगा, आसान आसान रहता है, ठीक है ना, वेरीफाई द फंक्शन एक्स स्क्वायर बराबर टू बाई स्क्वायर, क्या दिया हुआ, टू बाई स्क्वायर लॉग वाई, वेरीफाई द फंक्शन बाबू एक्स स्क्वायर बराबर टू बाई स्क्वायर लॉग वाई इज द सोल्यूशन ऑफ, इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसका बाबू, एक्स बाई बराबर क्या दिया हुआ, बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स, ठीक है बाबू, कल आप लोग का हमको थोड़ा सा काम है कल, ठीक है ना, माता जी को थोड़ा स्टेशन छोड़ने जाना, माता जी दिल्ली जा रहे हैं,
सात बजे तक ट्रेन है राजगीर से, है ना, तो कल आप लोग का मॉर्निंग में बंद रहेगा, ठीक है, ठीक है ना सर। तो आप लोग अगर इच्छुक हैं तो 6:10 से इवनिंग के बात कर रहे हैं, 6:10 से 7 बजे तक क्लास चलता है पीएम में, तो आप इच्छुक हैं तो आपको 7:15 से ले लिया जाएगा, 7:15 चाहे 7:15 से ले लिया जाएगा इवनिंग में, है ना, 7:15 से 8 बजे तक, कल कल की बात, सिर्फ कल के लिए बाबू, इच्छुक है तो बोलो, नहीं इच्छुक है तो बंद करते हैं, ठीक है ना। सर छुट्टी नहीं, कल शाम को पढ़ क्लास लीजिएगा सर, कल देखो शाम में चलता है ना, पुराना वाला बैच चल रहा था, उसके बाद हम लोग आप लोग कर ले लेंगे साथ में, है ना, तो कल हम लोग के काम कर लेंगे। नहीं सर, 7 बजे मत लीजिए ना सर, और पढ़ना पड़ता है। अरे तो छुट्टी सर, हेलो सर, हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, संडे को दे देंगे छुट्टी, और कुछ नेट खत्म हो जाएगा सर, रिकॉर्डिंग रोक के ना। अरे हाँ हाँ हाँ, भूल गए सर, वहाँ से कट।